आज हम लर्न करेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, जो कि अलग अलग मैकेनिज्म से अपना एक्शन शो करती है। ड्रग्स हैं इटोपोसाइट, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइट। सो इन सब के लिए ये अलग अलग फेज पर एक्ट करती है, जैसे जी वन फेज पर, जी टू फेज पर। तो इस सब के लिए आपके पास में एक ट्रिक है, G1 एक एपिसोड। तो G1 से हो जाएगा G1 और एपिसोड से हो जाएगा इटोपोसाइड। उसके बाद आता है G2। कौन कौन सी ड्रग G2 फेज पर एक्ट करती है? तो उसमें आता है ब्लियोमाइसिन एंड इटोपोसाइड। सो यहाँ पर हमारी ट्रिक काम करेगी G2 भी। तो यहाँ पर जी में टू जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है, और ब्लियोमाइसिन जो है वो भी ABCD में सेकंड नंबर पे आता है। तो G2 में ब्लियोमाइसिन और B2B से BE तो इटोपोसाइड। तो इस तरह से आप G1 और G2 G1 फेज पर जो एक्ट करती है उस ड्रग को लर्न कर सकते हैं, और जो ड्रग G2 फेज पर एक्ट करती है उसमें ब्लियोमाइसिन और इटोपोसाइड है। नेक्स्ट है हमारी एम फेज पर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं। तो इसके लिए ट्रिक है MTV इज एक्सीलेंट। यहाँ पर देखिए एम फॉर एम फेज पर एक्ट करने वाली, टी फॉर टैक्सेंस, जितने भी टैक्सेंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, वी फॉर विंका एल्कलॉइड्स, आई फॉर इक्साबीपिलोन एंड ई फॉर एस्ट्रामस्टिन। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं ETV इज एक्सीलेंट, टेक्सेन, विंका एल्कलॉइड्स, इक्साबीपिलोन एंड एस्ट्रामस्टिन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं उनका नाम लर्न करने के लिए आप देख सकते हैं पा मूवी देखी का। तो पा एक मूवी आई थी, आप सभी को पता है। तो पी फॉर प्लेटिनम कंपाउंड्स, ए फॉर एल्काइलेटिंग एजेंट्स, नेक्स्ट ए फॉर एंथ्रासाइक्लिंस, एम फॉर मिट्रोमाइसिन, डी फॉर डैक्टिनोमाइसिन एंड CAs फॉर केम्टोथेसिन। सो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग कौन कौन सी हैं। इससे ऊपर पहले हमने लर्न किया कि सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी है।